गुड मॉर्निंग। आज टेक्निकल सेक्शंस का सॉइल मैकेनिक्स का एक हमने पार्ट लिया है। एसएससी जेई एचपीएससी एई में टेक्निकल क्वेश्चन छोटे छोटे बहुत पूछे जाते हैं, और कई स्टूडेंट्स का ये कहना था कि अब नॉन टेक को हटाकर थोड़े दिन टेक्निकल पे भी फोकस कर लिया जाए। तो सॉइल मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली जो नॉलेज इसमें आपको मिलेगी वो यूजफुल होगी। इन तक वीडियो को देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, लैकस्टाइन सॉइल्स आर सॉइल्स, ऑप्शंस जो आपके सामने दिए हैं उसमें डिपॉजिटेड इन लेक बेड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स है उसको आप बोलेंगे एलवीएल सॉइल, उसको आप बोलेंगे एलवीएल सॉइल। जो ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर है उसको आप बोलेंगे ग्लेशियल सॉइल्स। इसमें अन्य क्वेश्चंस जो आते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है आने की या आए हुए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। उनमें एक क्वेश्चन है, एओलियन सॉइल किसे कहते हैं, एओलियन सॉइल किसे कहते हैं। तो जो डिपॉजिटेड बाई विंड होती है उसको बोलते हैं एओलियन सॉइल। एक क्वेश्चन आया है कि लॉस जो है ये किस टाइप की सॉइल का टाइप है, कौन सी सॉइल ये कही जाएगी, इसे बोलेंगे एओलियन सॉइल। एक क्वेश्चन और आया है, टालुस जो है ये सॉइल डिपॉजिटेड बाई किसकी तब मतलब किसके काज से ये डिपॉजिट होती है, तो वो काज है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया है कि कोलेप्सिबल सॉइल लॉस जो है, कोलेप्सिबल सॉइल है ये क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है कोलेप्सिबल सॉइल की। कोलेप्सिबल सॉइल जो होती है, पहले तो टाइप ऑफ कोलेप्सिबल सॉइल कौन है, लूस है, वो किसका टाइप है, एओलियन सॉइल का, विंड के थ्रू, ठीक है। और इसका जो करेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कि अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा सॉइल का। तो ये क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक सॉइल है जिसकी लिक्विड लिमिट 60% है, प्लास्टिक लिमिट 35% है, श्रिंकेज लिमिट 20% है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 50% है, लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स कहता है कि नेचुरल वाटर कंटेंट जो आपका मॉइस्चर कंटेंट दिया है वो माइनस जो आपकी प्लास्टिक लिमिट है वो अपॉन जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है जो कि आता है WL-WP से। तो 60-35 ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 25, 25 छिक्का 150, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इतना ही समय वहां आपका एग्जाम में लगना चाहिए टेक्निकली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सॉइल सैंपल हैविंग वाइड रेशियो ऑफ 1.3, वाटर कंटेंट दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, सीधे सीधे एस ई बराबर डब्ल्यू जी लग जाएगा, एस यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और 1 है तो सेचुरेशन फुली ओवर पार्शियल अंडर आप निकाल सकते हैं। अगर 1 है तो फुली सेचुरेटेड है तो आंसर बी होगा। अगर यही 1 से ज़्यादा आता तो ओवर सेचुरेटेड होता, अगर यही 1 से कम आता तो पार्शियल सेचुरेटेड होता या अंडर सेचुरेशन होता। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन फुल सैचुरेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कोलेप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद, कोलेप्सिबल सॉइल एसोसिएट करती है विद, ऑप्शंस हैं ड्यून सैंड्स, लेटराइन सॉइल्स, लोस, ब्लैक कॉटन सॉइल। अभी हमने चर्चा की थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो करेक्ट ऑप्शन होगा लोस। कोलेप्सिबल सॉइल इन दोज फॉर विच देयर इज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन द एडिशन ऑफ वाटर, लोस इज वन सच एग्जाम्पल, सिल्ट डिपोजिटेड मेड बाई विंड। एक जगह ये भी पूछा गया है कि लॉस क्या है, तो लॉस इज सिल्ट डिपॉजिटेड बाय विंड, मतलब एज पर एज मेनी एमसीक्यू हैज बीन आस्क्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स, और बाद में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मिनरल्स गिवन अबव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रीन साइज, कालोनाइट, एलाइट, मॉन्टेमोलनाइट। एक तो ये है कि आप याद कर लें, दूसरा ये है आप समझ लें। कालोनाइट की अगर इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रेन साइज पूछा है जो थिकनेस पे डिपेंडेंट होता है, तो अगर थिकनेस एंगस्ट्राम में बात करें तो कालोनाइट की 100 से लेकर 1000 तक होती है। एलाइट की बात करें तो एलाइट की जो थिकनेस होती है वो 50 से 500 तक होती है, और अगर मॉन्टेमोलनाइट की बात करें तो इसकी थिकनेस 10 से 50 के बीच होती है, इसकी थिकनेस 10 से 50 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे नीचे क्या रहेगा, मॉन्टेमोलनाइट थर्ड हो जाएगा, फिर
फिर उसके बाद सेकेंड पे रहेगा एलाइट, नंबर एक पे कॉलोनाइट, तो 3-2-1 करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वेट सॉइल मास है जिसमें एयर 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, वाटर ऑक्यूपाई करता 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, वाइड रेशियो पूछा है। तो अब यहां पे पहले आप वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स होगा वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर वॉल्यूम ऑफ एयर और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो V/6 प्लस V/3 आएगा, जिसका दूसरा मतलब होगा कि V/6 प्लस 2V/6, जिसका तीसरा मतलब होगा कि 3V/6, जिसका असली मतलब होगा कि 3V/6 वॉल्यूम ऑफ वाइड है, यानी V/2 है, हिंदूनी 6। आधा वॉल्यूम ऑफ वाइड है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जब आप निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉलिड्स, यानी आधा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी आ जाएगा। तो वी वी आ गया V/2, वी एस आ गया V/2, ई आपसे पूछा है जो VV/VS होता है, V/2 से V/2 कट गया, करेक्ट ऑप्शन एक हो गया, एक आ जाएगा आपका वाइड रेशियो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं श्रिंकेज रेशियो। वैसे दो फार्मूले हैं श्रिंकेज रेशियो के, एक V1-V2/VD/W1-W2×100, और इसमें से एक ये भी फार्मूला बहुत है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत याद यूज होता है। श्रिंकेज लिमिट्स आपसे पूछी जाए और जी और श्रिंकेज रेशियो की वैल्यू दे दे तो तुरंत 1/श्रिंकेज रेशियो -1/g करके आप ये श्रिंकेज लिमिट आप निकाल सकते हैं, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। और ये फार्मूला तो न्यूमेरिकली यूज होता है, जहां V1 V2 आपको दिए हो, VD दिया हो, W1 W2 दिया, तो श्रिंकेज रेशियो निकाल लेंगे और ये आपका थ्योरेटिकली डेफिनेशन होगी। अगला क्वेश्चन है सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 45% एंड लाइज एबव द ए लाइन। अब अगर आप उस फिगर को याद करें तो Cl, Ci, Ch, Ml, Mi, Mh इस तरीके से आप उसको याद रखते हैं। 35 से 50 के बीच अगर कुछ लाई करेगा तो इंटरमीडिएट में जाएगा। लिक्विड लिमिट से ये क्लियर हो गया कि इंटरमीडिएट में जाएगा, किसी में ऑप्शन नहीं है, सीधे करेक्ट ऑप्शन Ci आप लगा सकते हैं। बाकी इस फिगर को जितने अच्छे से प्लास्टिसिटी चार्ट को आप पढ़ लेंगे आपका कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कहाँ पे OH होता है, कहाँ पे MH होता है, ए लाइन के ऊपर है तो सारा सी है, ए लाइन के नीचे है तो M और O है, ठीक है, इस चीज को तो आप मतलब याद ही रखे होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन Ci हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग द सॉइल इज सेट टू बी ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इच। अगर प्लास्टिसिटी जीरो है तो इसको नॉन प्लास्टिक बोलते हैं, इसको नॉन प्लास्टिक बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नो सिल्ट नो क्ले, इसी को क्या बोलते हैं नो सिल्ट नो क्ले, इसी को भी बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया है कि Pi जीरो है तो सॉइल इज सेट टू बी कॉल्ड एज सैंड। कितनी चीजें Pi बराबर जीरो से है, क्वेश्चन इसने ये नहीं पूछा है, उसने ये कहा है कि Pi कितना हो, ऑप्शन में भी Pi बराबर जीरो नहीं दिया, लेकिन ये अपने आप में दो तीन तरीके के फॉर्मेट में पूछे जाए क्वेश्चन का आंसर है। एक Pi बराबर जीरो तो आप बोलेंगे नो सिल्ट, या ऑप्शन में नो क्ले दोनों चलेगा। Pi बराबर जीरो आप ऑप्शन में नॉन प्लास्टिक लगाएंगे, करेक्ट है। Pi बराबर जीरो आप ऑप्शन में सैंड लगाएंगे, सही है। क्या सॉइल इज सेट टू बी क्या कहा जाएगा, नॉन प्लास्टिक क्या कहा जाएगा, सैंड कहा जाएगा। अब अगर उसने कहा कि Pi जीरो से ज्यादा है लेकिन 7 से कम है तो स्लाइटली प्लास्टिक, 7 से ज्यादा है 17 से कम है तो मीडियम प्लास्टिक, और 17 से ज्यादा है तो हाईली प्लास्टिक, करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो एक क्वेश्चन आया है कि सॉइल्स विद द हाई प्लास्टिसिटी या मैक्सिमम पॉसिबल प्लास्टिसिटी टेन टू बी इज सेट टू बी, क्या बोलेंगे उन्हें, उन्हें क्या बोलेंगे? तो अगर जीरो है तो सैंड बोलेंगे, और अगर बहुत मैक्सिमम है तो उसको क्ले बोलेंगे, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन में चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन चारों क्वेश्चन का सलूशन है एक फिगर को अच्छे से याद रखना। वो फिगर ऐसे याद रख लो या सीधे देख ही लेते हैं हम, उस फिगर को हम लोग सीधे देख ही लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके सामने हम कर देते हैं। ये फिगर आप बस केवल इसमें ये लाइन आप याद रखिए, और इस तरीके से 1 2 ये चीज है आपके सामने, वो हमने दोबारा बना दिए। इसमें पूछा क्या गया है आपसे कि किसके बैक में कांस्टेंट रहता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो यहां पे कांस्टेंट रहता किसके बैक में, श्रिंकेज लिमिट के।
अगर इसी क्वेश्चन को वो पूछते कि बियॉन्ड विच द स्टेट इज सॉलिड प्लास्टिक और लिक्विड टू बी श्रिंकेज लिमिट, या बियॉन्ड विच वॉल्यूम इज नॉट कॉन्स्टेंट श्रिंकेज, बिलो विच वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज लिमिट में जब क्वेश्चन बनेगा तो बिलो विच वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, बियॉन्ड विच वॉल्यूम इज नॉट कॉन्स्टेंट, बिलो विच स्टेट इज सॉलिड, बियॉन्ड विच स्टेट इज सेमी सॉलिड प्लास्टिक स्टेट लिक्विड स्टेट, श्रिंकेज लिमिट का क्वेश्चन हो गया। ये एक कोई एक चीज से रिलेटेड। अब आ जाए अगर हम प्लास्टिक लिमिट को टारगेट करें तो कहेगा बिलो विच स्टेट इज सेमी सॉलिड और बियॉन्ड विच स्टेट इज प्लास्टिक, एक चीज। अब अगर लिक्विड लिमिट पे आएंगे तो कहेगा बिलो विच स्टेट इज प्लास्टिक, बिलो विच स्टेट, बियॉन्ड विच स्टेट इज लिक्विड। तो इस तरीके से ये फिगर आपको जितना अच्छे से याद होगा इससे रिलेटेड 6 से 7 क्वेश्चन आपके MCQ सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।